ये जो आयशा की जो बात हो रही थी, सो आई डोंट नो, इस तरह का नैरेटिव चला दिया है कि बस उस बंदी ने सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना था, क्योंकि पाकिस्तान का नाम तो वैसे बड़ा रोशन है ना। मुझे ये नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान का नाम बर्बाद करने के लिए सिर्फ वही लड़की थी और तो आप लोगों ने बड़ा रोशन किया हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि हाउ डू यू थिंक कि पाकिस्तान का नाम वैसे बड़ा रोशन हो रहा है इस मुल्क में, आई मीन इस दुनिया में। पाकिस्तान वैसे ही आप ग्रे लिस्ट में बैठे हो, अभी आपने ब्लैक लिस्ट में भी हो जाना है। आप तालिबान को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो तालिबान को सपोर्ट करके क्या आप बड़े अच्छे जाने जा रहे हो पूरी दुनिया में? आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी बड़ा अच्छा नाम हो रहा है दुनिया में। वाह वाह, पता नहीं, लॉजिक चेक कीजिए ना, लॉजिक इन लोगों की ऐसी है कि बस। और जब इस तरीके की बातें होती है ना, तो ये सारे मर्दों को और शह मिलती है, कहते हैं हाँ ठीक तो है, हमने सही तो किया, औरत निकलेगी बाहर इस तरीके से शलवार कमीज में तो हम तो उसके ऊपर झपट्टेंगे, क्योंकि हमारे अंदर तो कंट्रोल ही नहीं है। हमें तो सिखाया ही नहीं कभी कि भैया औरत पे कंट्रोल कर, अपने आप कंट्रोल रखो। हमारा जब खड़ा हो जाता है, ड्राइविंग स्टिक खड़ी हो जाती है ना, हम उसके ऊपर पानी लगा दें, ठंडा पानी फेंक दें, आइस लगा दें, अपने आप को कंट्रोल कर लें किसी तरीके से ना, नो जरूरी नहीं है। और इतने बुरे तरीके से उसको हाथ लगा रहे थे, उसके कपड़े फाड़ दिए, लाइक सीरियसली, हाथ लगाने से आपकी कौन सी ठरक मिट जाती है? मुझे ये बताओ, मुझको ये बताओ कि बंदी पे सिर्फ हाथ फेरने से तुम्हारा क्या हो जाता है? फारिग तो नहीं होते ना, फारिग तो नहीं होते ना, तो व्हाट द हेल? तो आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हाथ लगाने से इनकी कौन सी फ्रस्ट्रेशन मिट जाती है, मुझे नहीं समझ में आती है। अब इस चीज पे ऐसे ऐसे लोग बात कर रहे हैं जैसे कि वकार का, जैसे जो कि पब्लिसिटी करने में और इस तरह की हरकतें करने में नंबर वन। और इसके अलावा एक और बंदा है जिसकी कल मैंने वीडियो देखी है। अच्छा, और ये बंदा जो है, आप किस मुंह से ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता के भाई चौदहों के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इन लोगों ने खुद अपनी चड्डियां उतार के अपनी गांडे खोल कर पेश की है इंटरनेट पे, और फिर ये आके लड़कियों को लेक्चर दे रहे होते हैं कि देखो ये पाकिस्तान को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। तो ये एक बंदा है, अगर आप नहीं जानते उसको तो बहुत ही अच्छा है कि आप नहीं जानते उसको, मगर ये हमारे पाकिस्तान के जो है ना इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। थैंक यू प्रभात जी, थैंक यू। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कौन बंदा है। बड़ा ही कमीना बंदा है, सारे कमीने हैं। यानी खुद ये लोग खुद पैसों के लिए ये जो है अपनी माँ बेच रहे लिटरली। सॉरी, मैं कल जो हूं ना, मेरा मूड बिल्कुल बहुत ही खराब चल रहा था कल, तो आई जस्ट डिडंट डू एनी वर्क ऑन दिस। खैर, ये है वो बंदा, मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा देती हूँ और आप देख लेना कि व्हाट काइंड ऑफ इडियट ही है, और फिर मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करते हैं। यानी ऐसे ऐसे लोग अब हमें बताएंगे जो खुद ये हैं, इनका नाम है शामीर अब्बास। तो आप देख सकते हो इसकी टट्टे ऐसी इसकी शक्ल है, टट्टे टट्टा भी इससे ज्यादा बेहतर होगा, टट्टे जैसी इसकी शक्ल है। वही बात आ जाती है ना, जब आप नंगे को, नंगे कहती हूँ, गंजे को नाखून दे दो तो गंज खुजाएगा ना, अपनी गंज तो उसने खुजा देनी है, वो क्या करेगा। और तो ये एक यूट्यूबर है, ये यूट्यूबर है, इनके बड़े मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बन गए। और कैसे बने, कैसे बने, प्रैंक वीडियोस कर करके। और प्रैंक वीडियोस भी कौन से, जो गोरे कर रहे होते थे यहाँ पर, गोल्ड डिगर प्रैंक, ये प्रैंक, वो प्रैंक, सारी कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, वेस्ट की कॉपी पेस्ट कर करके इन्होंने अपना यूट्यूब का चैनल पहुंचाया है, मेरे ख्याल से मिलियन वगैरह थे। एक ये चूतिया है शामीर अब्बास, और एक वो दूसरा एक और भी है शामीर, पता नहीं कौन है वो, जो यहाँ क्या कनाडा में रहता है, वो भी एक नंबर का चुतड़ इंसान, यानी चूतिया बनाया हुआ है पूरी आवाम को। सो इन साहब ने ये प्रैंक कर करके, झूठे प्रैंक करके, ये है ना, ये वाला बंदा है, मैं इसकी तस्वीर दिखाती हूँ, ये शाम इदरीस, सॉरी ये शाम इदरीस, दोनों चूतिया एक ही उसमें। ये बंदा, यानी इसको कोई अपने घर में नौकर ना रखे इस शामीर बंदे को, तो इसका सर जो है वो आसमान पे चढ़ गया। अब इसने क्या करा, इसकी एक वीडियो लीक हुई, ये वाली, ये आप जैसे देख सकते हैं, ये देखिए, ये इनकी एक वीडियो लीक हुई थी किसी लड़की के साथ, जहां पर ये कर रहे थे, और फिर उसके बाद इन्होंने आके बड़ी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी, अरे वो ये हो गया था तो वो यूं हो रहा था, तो फिर क्या, इसने चुतड़ किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन दी थी
कि पता नहीं ये क्या कर रहा था, किसको भेजना था, क्या ही चूतिया किस्म की एक्सप्लेनेशन दी थी इसके, लाइक ना सर था ना पैर था। और भाई तू कुछ नहीं कर रहा था, तू अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था जो तू करता है, ठीक है ना, ये होता है पाकिस्तान में। और फिर तुमने खुद ही रिलीज की थी क्योंकि तुम लोग इतने कमीने हो व्यूज के लिए, तुम लोग अपनी माँ को नंगा करके भेज दो। ये ऐसा बंदा है, ये अपनी माँ को नंगा करके लग रख देगा वहां पर। फिर इसका बाप भी आया था, उसपे बाप भी आया और बाप ने भी पता नहीं क्या इस पे बोली थी बातें, आई डोंट नो, मैं इतना इनको फॉलो नहीं करती हूँ, मगर इनका कुछ चक्कर इसी तरीके से चला था। तो ये बंदा वहां पे बैठ के आयशा पे बात कर रहा था। फिर सुनो इसने और क्या नौटंकी की, यही खत्म नहीं हो जाता, ना 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 यहाँ नहीं खत्म होता। मैं दिखाती हूँ आपको कि ये नौटंकी करने में, पब्लिसिटी हासिल करने में ये बंदा कहाँ तक पहुंच गया। ये मेरे ख्याल से एक साल पहले की बात है, या one and a half year ago ये जो था बंदा। गाइस फेसबुक वालों यहाँ यूट्यूब पे आ जाओ, क्योंकि फेसबुक बहुत ही घटिया चल रहा है इस वक्त, मेरा इंटरनेट बहुत ही घटिया चल रहा है इस वक्त, सो प्लीज इफ यू वांट यू कैन कम अप हियर। इसने एक वीडियो डाला था, इसमें मैं देख रही हूँ कि अगर मुझे दिखता है यहाँ पर कहाँ है 2 years ago, या तो इसने हटा दिए वो। तो इसने ये ड्रामे किए थे, इसने क्या ड्रामा किया कि इसने अपने एक वीडियो शूट किया कि हम लोग जो हैं हॉन्टेड हाउस गए, ये हॉन्टेड हाउस गए वहां पर, ठीक है, हॉन्टेड हाउस जाकर इन्होंने शूटिंग की वहां पे। और वहां शूटिंग करते करते फिर ये ऐसा दिखाया कि ओ वहां पे जिन है, भूत है, व्हाटएवर इज देयर, तो फिर ये वापस आ गए घर। अगले दिन एक वीडियो चढ़ती है इसके यूट्यूब पर जिसपे इसने कुछ जिब्रिश लिखी हुई थी और पीछे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, अजीब अजीब सी आवाजें डाली हुई थी। फिर एक वीडियो लगाई तो दूसरी वीडियो लगाई, और फिर इसकी फैमिली वाले आगे कह रहे हैं शामिर घर आया तो उसपे पता नहीं क्या हो गया, लगता है उसपे असर हो गया है किसी चीज का, वो जो है अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, यूं कर रहा है, ड्रामेबाजी। अच्छा, जो भी जिन चढ़ा था इसके ऊपर उसको ये पता था कि वीडियो जो है अपलोड करके उसको मोनेटाइज जरूर करना है। जिन भी भूत भी बड़ा यानी टेक्निकल भूत था, वो भूत ने कहा कि नहीं पैसे जरूर कमाने। तो इन्होंने ये ड्रामे किए थे और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने बस वही देखा था इसका। फिर एक और वीडियो आया जिसमें ये अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, बकवास कर रहा था पीछे से। तो ये इस चूतड़ की ये हरकतें हैं, जिस तरीके से ये व्यूज कमाता है, जिस तरीके से ये चूतिया बनाता है, और हमारी आवाज हाय ब्रेन सेल्स तो है नहीं उनके पास, और जो है वो ये लोग खत्म कर देते। तो वो तो है, वो तो वाकई में है, शाम पे तो भूत चढ़ गया था, जिन आ गया था उसके ऊपर, जिन आ गया था, नहीं 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 ये तो सच्ची है, ये तो सच्ची है। यार क्या है तुम लोगों को, तुम लोगों को कोई भी आके चूतिया बना सकता है, लाइक व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, क्या है तुम लोग, ओह माय गॉड सीरियसली। सो एनीवेज, तो इन्होंने इन्होंने ये सारे ड्रामे पेले थे उस वक्त, और उसके बाद फिर ये कल आकर आयशा पे बात कर रहे थे कि हे देखो इसने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, ये पब्लिसिटी के लिए ये औरतें ने अपने कपड़े उतरवा दिए। वो भाई चौधरी तूने भी तो उतारे थे अपने कपड़े पब्लिसिटी के लिए, है ना। तो बस तुम लोग करो तो ठीक है, लड़की कर लेगा तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। सारे सारे के सारे पूरे पाकिस्तान के मर्द जो है इस वक्त आए हुए और आयशा के पीछे घुस गए कि नहीं भाई इसने तो बड़ी गंदी हरकत की है, ये ऐसे ऐसे लोग यानी वही वकार लगा 2, इनको आप कह सकते हो वकार पॉइंट 2, यू नो ही इज द क्या बोले, बस क्या बोलूं मैं, मेरे सामने होना तो मैं इनको ऐसे चमाट मारू ना, इनकी अकल जो है इनके लनसे इनके दिमाग में आ जाए वापस। ये बात यही तो है ना, अगर इनकी अकल इनके दिमाग में होती तो शायद शायद ये कुछ सोच सकते, मगर नहीं है ही नहीं दिमाग में, दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, दिमाग तो है इनके नीचे। ये देखो लिख रहा है तेरी खुशी में पेशाब करो, एक काम करो मोहम्मद यासू जी, वैसे नाम आपका मोहम्मद, आपसे तो एक्सपेक्टेड था कि आप ये कॉमेंट करेंगे, अगर आप अपने मोहम्मद के उस पर फॉलो नहीं करेंगे तो आप ऑफकोर्स आप तो अपने मोहम्मद जी के ऊपर फॉलो कर रहे हो ये कॉमेंट्स लिख लिख के। ये मुझे बताइए किस हदीस में लिखा है या कुरान में लिखा है किस तरीके का कमेंट किया जाए, मोहम्मद जी, मोहम्मद यूसा यूजा सीफ, क्या नाम है, आप बताइए मेरे को, जवाब दीजिए, आपने कौन सी कहां से सीखा है ये, आप इस्लाम में सिखाया है ये आपको, एक सेकेंड, वाह जी वाह, क्या अच्छी रिलीजन है,
गाइस हर किसी को इस्लाम जरूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि इस्लाम में ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाई जाती हैं औरतों के बारे में कि उन पे पेशाब कर दो, हाँ उनके अंदर ये घुसा दो, उनका रेप कर दो, ये देखिए ना गश्ती रंडी ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं इस्लाम में। मेरी तरह से ये आपके लिए ट्रॉफी, ठीक है ना। तेरे मुंह ये देख रही है, तेरे मुंह ये मेरे ख्याल से ये कहीं लिखा जरूर होगा किसी ने, मोहम्मद जी ने कहीं ना कहीं पेशाब की बात की होगी, जब ही तो ये बोल रहा है। हो गया, इससे ज्यादा मैं इन चूतियों पे बात नहीं कर सकती हूँ, मेरा खून खौलता है ऐसी चूतियों को देखकर, जो खुद भाई चौथ सब कुछ कर लेंगे, पूरे दुनिया का गूं खा लेंगे और फिर आगे, और जब जहां कोई लड़की थोड़ा सा कुछ कर ले अपनी पब्लिसिटी के लिए तो इनको फिर उनको गांड में आग लग जाती है, फौरन उनकी गांडें जलना शुरू हो जाती है।